लेकिन मैं अभी जाना चाहता हूं जरा संजय राणा जी के पास। संजय राणा जी, किसानों के बीच में हर कोई ये नहीं चाह रहा है कि अभी आंदोलन जारी रहे। किसानों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाहिद लरी खान आता हूं आपके पास, किसानों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं घर वापस चला जाए, खेती बाड़ी संभाली जाए, मुख्य मांगे तो मान ली गई, बाकियों पर वार्ता की जाए। फिर ये कौन है जो आंदोलन जारी रखना चाहता है? दिनेश जी देखिए, ऐसा है कि आपको ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये 90% किसानों का आंदोलन नहीं है, सिर्फ 10% किसानों का आंदोलन है। जो आंदोलन पंजाब से स्टार्ट हुआ था, एपीएमसी के मुद्दे पे स्टार्ट हुआ था और एमएसपी के मुद्दे पे स्टार्ट हुआ था, अगर आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए और यहाँ पर जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी को, इनको समझने की बहुत जरूरत है कि एमएसपी 1964 में लागू हुआ था, आज तक लागू है, सब 6% किसानों को उसका लाभ मिलता है, फिर भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो एमएसपी का कानून बनना या कानून के फॉर्म में आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो बैठ करके किसानों के मूल्यों का बारे में बता सके, इसका मूल्य ये होगा। नंबर टू, इसके लिए हमें किसान आयोग का गठन करने की जरूरत है। नंबर टू, अब रहा कि केस वापसी, कई हमारे वक्ता बोल रहे थे कि केस वापसी, इनको कानून भी समझने की जरूरत है कि केस जो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव होता है, स्टेट प्रोग्रेटिव होता है और स्टेट उस पर लगाता है, स्टेट ही विड्रॉल कर सकता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। ये लोग सब लोग का पूरा जो कानून चल रहा है, पूरा जो आंदोलन इस समय चल रहा है, ये सिर्फ कांग्रेस से ड्रिवन है वुड से, और ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ड्राइव हो रहा है। संजय राणा साहब, तो ये देश केवल उन लोगों का है क्या जो आंदोलन कर रहे हैं, या देश उन लोगों का है क्या जो विपक्ष? नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 10% का है कि 90% का, तो 90% के लोगों को क्या बाहर आकर ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे हम खुश हैं, हमको जो प्रोविजंस दिए गए हैं भगवान के लिए, हमको आप हाईजैक करने की कोशिश ना करें क्या? या उनको लगता है हमारा तो ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम घर में बैठकर सुखी हैं और उनको आवाज उठाने की कोई जरूरत नहीं? देखिए, आवाज उठाने के लिए आपको समझने की जरूरत है दिनेश भाई कि हमारा जो किसान है 90% और 86% किसान वो गरीब है, 2 एकड़ से कम जमीन है, वो अगर खेती करे या अरे तो सुन कौन रहा है, 6% वाले एमएसपी का फायदा अगर ले रहे हैं 6% किसान, तो एमएसपी के लिए गारंटी चाहिए, ये कहा जा रहा है ना सड़क से और कहा जा रहा है, ये सारे किसानों का मुद्दा है। मैं जरा अब राजवीर जादौन साहब के पास जाना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, आपके पास सबसे आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात समझने के लिए आ रहा हूं। राजवीर जादौन साहब, जरा समझा दीजिए कि कौन सही है कौन गलत, ये दिमाग ना कई बार ये इसके बूते के बाहर हो जाता है, ये भी समझना कि कौन एक्चुअली किसानों के पक्ष की बात कर रहा है और कौन विरोधी है। देखिए दिनेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये है जो मैं सुन रहा हूँ, ये आंदोलन के दौरान डिबेट है और किसानों पर डिबेट हो रही है, तो इस पर कांग्रेस भाजपा सपा ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। डिबेट हमसे हो, प्रश्न हमसे करें, मैं जवाब दूंगा। अभी कहा जा रहा कि एमएसपी पर कितना लोगों ने बोला, एमएसपी को समझने की ज़रूरत है, कहाँ रखेंगे, कहाँ भरेंगे, कौन खरीदेगा, जितना सरकार को ज़रूरत हो उतना एमएसपी पे खरीदे, और सरकार खरीद रही है। एक गेहूँ 1975 रुपए में ख़रीदा गया और आशीर्वाद वाले उसको 45 रुपए किलो बेच रहे आटा, वही गेहूँ 1400 रुपए में ख़रीदा गया, 6% का खरीदा गया 1975 में और 94% का खरीदा गया 1400-1500 रुपये में, और वो भी 45 रुपये में बिक रहा। आखिर क्या देश में खाद्यान्न जो खरीद करके जो बेचा जाता है उपभोक्ताओं को, उसके क्या दो भाव हैं कि जो एमएसपी का भाव है और जो हमने सस्ता खरीदा उसका भाव है? किसी ने पूछा उन व्यापारियों से जिन्होंने किसानों को सस्ते पर लूटा कि तुमने इसको कहाँ रखा, किसको बेचा, क्या बनाया, किस भाव में बेचा? ये एमएसपी का लोड सरकार पर जाने वाला नहीं है, ये एमएसपी जो कानून बनेगा और सारा उत्पाद, एक बात होगी कि पूरे साल इतने रुपए से कम में गेहूं। राजवीर सर, आपको मैं रोक रहा हूं लेकिन बड़ी विनम्रता से आप ये बताइए, आप तो जालौन से ताल्लुक रखते हैं जी, आप जानते होंगे कि बुंदेलखंड का क्या हाल है, आप जानते होंगे अधिकांश उत्तर प्रदेश का, बिहार का, झारखंड का, छोटी जोत वाले किसान का क्या हाल है, क्या वो जाके एमएसपी पर बेच पा रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या 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 बिचौलिए और आढ़ती है इसमें नहीं कमा रहे हैं? पूरा टोटल 6%। तो सर फिर एमएसपी की जिद से किसको फायदा है सर? यही समझने की जरूरत त्यागी जी, भाई यही रुक जाइए, हमें समय दीजिए। नहीं बेच पा रहा, वो सस्ते में जो 1400-1500 रुपए में गेहूं खरीदा गया वही जाके केंद्र पर बेचा उन दलालों ने। अगर वही दलालों को 1975 खरीदना पड़ेगा तो दोबारा केंद्र पर नहीं जाएंगे बेचने, और जो गैप जो है 1975 और 1400-1500 रुपए का है, जो दलाल और सरकारी संरक्षण में बैठे लोग खाते हैं,
वो बचेगा। संजय राणा कुछ कह रहे हैं, वो भी इस मुद्दे को बड़ा अंदर इनसाइड आउट समझते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे जल्दी से संजय। दिनेश भाई बड़ा हंसी आती है जब हमारे किसान भाई ऐसी बातें करते हैं। अगर 1975 रुपए अगर हमारी खरीद हो जाएगी उससे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं, हमें लागत कितनी है भैया, हमें C2+50% चाहिए, ये बात समझने के लिए कोई ये कथाकथित किसान नेता तैयार ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। भैया ये 1975 रुपए आप समझने, तो लागत है, लागत तो बहुत ज्यादा हमारी आ रही है, 5,000 लागत आती है, हमको 2,000 रुपए मिलता है, तभी तो आत्महत्या कर रहे हैं। ये तो आत्महत्या क्यों कर रहे होते, हम संपन्न ना होते 55 साल में? एमएसपी तो 55 साल से चली आ रही, चलिए मान लीजिए मेरे कानून आन बन गया, कानून बनने से क्या चोरी चमारी रुक जाती है? जो आपको लगता है बिचौलिए नहीं खरीदेंगे, बिचौलिए सिंडिकेट बना करके हमको ब्लैकमेल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे वो, इसीलिए हमको अपना प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है, जो किसान ही प्रतिनिधित्व होना, उसके लिए आयोग का गठन होना बहुत जरूरी ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आपके पास लौटेंगे और कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह के अमर्यादित और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए, ये आग्रह भी मेरा रहेगा। अरे सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।